हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूं, क्योंकि मैं बीच में काफ़ी बिजी थी। आज मैं डिसमोनोरिया के बारे में बात करूंगी, और इसकी मेडिसिन है। आज हम बात करेंगे सिमिसिफ होगा मेडिसिन के बारे में, तो आइए जानते हैं इसका सिम्टम्स क्या है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आगे का वीडियो आपको मिलती रहे। डिसमेनोरिया यानी निचले हिस्से एल्बोडोमेन दर्द की रोगी के नीच शिकायतें, जो आमतौर पर मानसिक धर्म के पहले दिन से ही शुरू हो जाती है जब तक ब्लड बंद नहीं हो जाता। रोगी आमतौर पर, जैसे युवा लड़की, अविवाहित महिलाएं हैं, कई बार गर्भाशय ठीक से विकसित नहीं होने के कारण गर्भाशय में दर्द और गर्भाशय में सूजन बनी रहती है। मांसपेशियों में दर्द गर्भाशय की गड़बड़ी से जुड़ा होता है। यह विशेष रूप से आमवाती शिकायतों के साथ कष्टधारी होते हैं रोगी पर कार्य करता है। दर्द और पीठ और गर्दन की जकड़न भी बनी रहती है। अंगों में बेचैनी महसूस होने लगता है। डिम ग्रंथि नसों का भी दर्द बना रहता है। मानसिक रूप से रोगी बहुत उदास रहता है। मानसिक धर्म के दौरान मानसिक लक्षण बद से भी बदतर होते हैं, और आम तौर पर आमवती दर्द के साथ बारी बारी से होते हैं। मरीज के दिमाग में हमेशा उदासी और उम्मीद उन्मादी जंगली भावना बनी रहती है। मानसिक परिश्रम और गर्भाशय स्राव के बाद सिरदर्द सभी मानसिक और साथ ही साथ शारीरिक लक्षण बढ़ जाना, ये डिसमेनोरिया के लक्षण हैं। और इनकी बीमारी सुबह के ठंड वातावरण में मानसिक धर्म के दौरान, और जैसे जैसे मानसिक धर्म बढ़ता है और गर्म चीज़ से इसे आराम भी मिलता है, जैसे कि पानी से सेकना, इन सब चीज़ों से इस बीमारी में आराम मिलता है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी जानकारी लेना हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।